हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्लास्टर एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जिससे आप अपने घर की दीवारों, कॉलम्स, सीलिंग या दूसरे अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स के रफ सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं प्लास्टर की एक पतली सी लेयर के साथ। पर इसके लिए यह भी बहुत जरूरी होता है कि आपके प्लास्टर की आपके दीवारों के साथ पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए, मीन्स आपकी दीवारों और प्लास्टर की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बट लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत से लोग प्लास्टर करते हुए बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके प्लास्टर में कुछ ही समय बाद या तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं या फिर यह दीवार से झड़ने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लास्टरिंग के दौरान आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, ताकि बाद में आपको प्लास्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको एक मजबूत और क्रैक्स फ्री प्लास्टर सरफेस मिल पाए। तो जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें प्लास्टर करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जिस भी दीवार पर आपको प्लास्टर करना है उसकी कम से कम एक हफ्ते तक क्यूरिंग हो चुकी हो, वह एकदम गीली हो, मींस आपकी दीवार पूरी तरह पानी एब्जॉर्ब कर चुकी हो, ताकि ये प्लास्टर का पानी एब्जॉर्ब ना करें। अब आपको प्लास्टर शुरू करते हुए पहले नीरू या जिसे सीमेंट सलरी का घोल बोलते हैं, वह अच्छे से पूरी दीवार पर मार लेना है, ताकि आपकी दीवारों और प्लास्टर मोर्टार के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। दूसरा, अब जो भी प्लास्टर मोर्टार मिक्स करेंगे वह या तो एमएस शीट पर मिक्स करें या एकदम क्लीन सरफेस पर, मिट्टी में मिक्स नहीं करना है। और मोर्टार भी आपको उतना ही मिक्स करना है जितना आप आधे से एक घंटे में यूज कर पाओ, नहीं तो इसकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है। तो मोर्टार मिक्स भी आप लिमिटेड बनाएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी होम ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों, प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का सबसे बड़ा और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर को हायर करता है। ये कंपनी अपने सभी वर्कर्स को ही हीरो मानती है। प्रोजेक्ट हीरो सभी बार बाइंडर्स, मेसन, पेंटर, टाइल और पत्थर का काम करने वाले लेबर मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और वेल्डर सभी को नौकरी और काम देती है। इसके लिए आप सभी को प्रोजेक्ट हीरो की ऑफिशियल ऐप पर जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जिस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नौकरी अप्लाई कैसे करनी है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है प्रोजेक्ट हीरो ऐप को और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे ओपन करना है। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां अपनी भाषा चुननी है, हिंदी या इंग्लिश, और यहां नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना यहां मोबाइल नंबर डालकर जो आपको ओटीपी मिलेगा उससे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। अब यहां आपको अपनी प्रोफाइल पिक लगा लेनी है और अपना नाम, जेंडर, आपको कोविड वैक्सीनेशन लगी है या नहीं, और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सभी डिटेल फिल कर लेनी है। जब आप ये सारी डिटेल डाल लेंगे तो आपको यहां मेरा रेफरल कोड डालना है, YTVISHYC। मेरा रेफरल कोड डालने से आपको आपके अकाउंट में कुछ धनराशि मिल जाएगी, इसलिए मेरा रेफरल कोड जरूर से जरूर डाल लें। अगर आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी इन्वाइट कर सकते हैं। पैसे पाने के लिए यहां आपको अपने अकाउंट को ऐड करना होगा। अगर आप यहां नौकरी पाते हैं तो 2 लाख का आपको स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, आपको यहां PF भी मिलता है। आप यहां व्यू जॉब पर जाकर अपनी मनपसंद नौकरी देख सकते हैं और आपको कितने पैसे मिलेंगे ये भी देख सकते हैं। अब आप जिस भी साइट पर काम करना चाहते हैं उसके लिए यहां से अप्लाई करें। अब आपको यहां अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप यहां रिक्वेस्ट फॉर प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप सीधा प्रोजेक्ट हीरो की ऑफिशियल वेबसाइट projecthero.in पर जाकर फ्री में वर्कर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यदि आपको प्रोजेक्ट हीरो की टीम से बात करनी है तो आप ऊपर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कैसे किया जाता है तो आप प्रोजेक्ट हीरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें और कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखें। और लास्ट में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप मेरा ये कोड डालते हैं तो आपको तुरंत आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ बोनस धनराशि भेज दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तीसरा, जो आपका मोर्टार मिक्स का रेशो रहेगा वह सीलिंग यानी छत के लिए 1:4 का रेशो रहेगा और वॉल प्लास्टर के लिए 1:6 का, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का और 4 या 6 पार्ट सैंड के। चौथा, आपको प्लास्टर की थिकनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, वह कम से कम रखनी है। जैसे आप इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग, सीलिंग प्लास्टर और RCC प्लास्टर के लिए 6 से 12 mm तक थिकनेस रखेंगे और एक्सटर्नल प्लास्टर की थिकनेस 18 से 20 mm तक, और वह भी 2 लेयर में करेंगे, पहले 12 mm की एक लेयर फिर दूसरी लेयर, अगर आपके दीवारों में ज्यादा अंडुलेशन है और आपको 12 mm से ज्यादा थिकनेस करनी हो। पांचवा, आपकी प्लास्टरिंग के दौरान प्लास्टरिंग की थिकनेस हर जगह इवन होनी चाहिए और प्लास्टरिंग की फिनिश भी चेक करें,
स्पिरिट लेवल प्लम्बोब और फंटी से वह एकदम वर्टिकली और हॉरिजेंटली स्ट्रेट और स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि आपके प्लम्बोब और फंटी में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए जब आप इसे चेक करोगे। छठा, एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आपको दीवार में ग्रूव्स वगैरह बनाने हैं वो आपको तभी बनाने हैं जब प्लास्टर गीला हो, बाद में प्लास्टर सूखने के बाद आपको ग्रूव्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। और फ्लोर के ऊपर 6 इंच तक आप प्लास्टर न करें, टाइल्स कटिंग लगने के बाद ही आपको वहां प्लास्टर करना है। सातवां, प्लास्टरिंग कंप्लीट होने पर आपको एक परमानेंट मार्कर से सभी दीवारों और सीलिंग सरफेस पर प्लास्टर की डेट भी लिख देनी, ताकि उससे आप अपने प्लास्टर की क्यूरिंग को मेंटेन कर पाएं। और प्लास्टरिंग के 24 घंटे बाद ही तुरंत आपको उसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है जब वह सफिशिएंट हार्ड हो जाए, और लगभग 14 दिन बाद ही आप इस पर पुट्टी या पेंट करना शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लास्टर करते हुए इन 8 बातों का आपको खास ध्यान रखना है अगर इन फ्यूचर आप प्लास्टरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आप प्लास्टरिंग की हमारी ये पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि प्लास्टरिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपके प्लास्टर में कभी भी क्रैक्स डेवलप ना हो। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लास्टरिंग या हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।